शिक्षण के क्षेत्र में भिलाई के अग्रणी संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु प्रति सप्ताह टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में रविवार को भी टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित टेस्ट श्रृंखला में विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की पूर्व छात्रा एवं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर श्रुति दुबे उपस्थित हुई। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के सूत्र दिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। हर सप्ताह टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यहां के पूर्व छात्र जो कि आज विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें आमंत्रित कर उनके द्वारा ही उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी कड़ी में इस सप्ताह की टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने डॉक्टर श्रुति दुबे पहुंची। श्रुति दुबे 2003 बैच की यहां की पास आउट है और वर्तमान में शंकराचार्य हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। विशेष रूप से शामिल डॉक्टर श्रुति दुबे ने विद्यार्थियों से यहां पर चर्चा की, साथ ही कई सारे डाउट्स विद्यार्थियों के क्लियर किए और उचित टिप्स दिए। आखिरी के जो 40 दिन है आप उसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट कर लो, आखिरी के जो 30 दिन है उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ना। ऑलरेडी सर लोग कोर्स पूरा कंप्लीट करा चुके होते हैं, टेस्ट सीरीज में टेस्ट के साथ साथ रिवाइज होते हुए पता भी चलता रहता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ना। अब इस मोमेंट में कुछ क्वेश्चन होंगे रिविजन में भी, जैसे आप 100 क्वेश्चन का सेट कर रहे हो, एक एग्जाम्पल बता रहे, एक दिन में तो कोई 500-800 क्वेश्चन नहीं लगा पाता है। आप 100 क्वेश्चन यदि इफेक्टिवली 100 कर रहे हैं उसमें आपको क्या होता है, 80 आपसे बन रहे हैं, 20 नहीं बन रहे हैं। जो 20 नहीं बन रहे हैं उसमें से 10 ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं और 10 वो हैं जिसमें बी के बजाय सी लग रहा है, सी के बजाय डी लग रहा है। तो वो जो सी और डी, बी और सी वाले हैं ना, वो हैं जो आपको गेम जिताएंगे या आपका गेम लूज कराएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी कन्फ्यूजन में ही वहाँ उल्टे जाता है ना। जो नहीं बनता उसमें तो कोई हाथ डालता नहीं है, कोई भी जो समझदारी में अटेम्प्ट लेता है वो जो नहीं आता उसमें तुक्का नहीं मारता। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव हमसे उन्होंने साझा किया, तो वहीं कॉलेज के डायरेक्टर ने भी इसका उद्देश्य बताया। हमेशा ही बहुत गौरवान्वित महसूस होने वाली बात है ये। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति दुबे, मैं ENT सर्जन हूँ, प्रेजेंटली एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में। यहाँ से ही जो कुछ भी मैंने बना है और यहाँ वापस आने में बहुत अच्छा लगता है। उनका हमेशा हर बच्चे को कई साल से यही कहना कि मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और हर सुनने वाला बच्चा यही सोचता है कि वो मेरे लिए कहा गया है। मेरा पर्टिकुलरली कहना है कि सोशल मीडिया का अपना पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, पर अभी ये भी सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, बेटर है अभी उससे दूर रहना चाहिए। स्टडी मटेरियल साल भर में बहुत जमा हो चुका है, अब टाइम है उसी को बार बार रिवाइज करने का और खान पान में ध्यान रखने का। और एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद आपके पास बहुत समय है सोशल मीडिया सब कुछ में घूम के खूब सर्फिंग करने का। देखिए 2003 बैच का सिलेक्शन है श्रुति का, और वर्तमान में शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है ENT में। अपने बच्चों को मुख्य अतिथि बनाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सबसे पहली सफलता तो उसमें हमारी है कि जो बच्चा आज सफल और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि है, इसका मतलब जो बच्चे निकल रहे हैं हमारे यहाँ से वो समाज को कुछ दे रहे हैं और समाज में उनका कुछ नाम है। तो एक उद्देश्य ये है कि हम दूसरे सेक्टर से या दूसरे लोगों को मुख्य अतिथि क्यों बनाएं जब हमारे पास एक रेंज है इतनी बड़ी जिनको हम मुख्य अतिथि बना सकते हैं। हमारे 30 वर्षों के इस सफ़र में 3000 से ज़्यादा MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 3000 लोगों को मुख्य अतिथि बनाते बनाते तो अच्छा समय लगेगा। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज बेहतर शिक्षा देते हुए विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा रहा है, वहीं आयोजित टेस्ट श्रृंखला भी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ACN न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।